हेलो दोस्तों, नमस्कार, पहला प्रणाम। तो दोस्तों, आप जान ही गए होंगे कि आज मैं क्या करने जा रहा हूँ। मेरे जिन भाई लोगों ने उत्तराखंड में अपना जीवन व्यतीत कर रखा है, वो तो खासकर इस चीज़ को पहचान ही गए होंगे। तो दोस्तों, आज मैं बनाने जा रहा हूँ मट्ठा। तो आपको दिखाता हूँ कि उत्तराखंड के पहाड़ों में मट्ठा बनाने की क्या प्रोसेस होती है, किस टाइप से मट्ठा बनाते हैं और हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है मट्ठा बनाने के लिए। तो बने रहें ब्लॉग में, आपको आगे लेके चलते हैं सीधे। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, अगर आपको मट्ठा बनाना है तो आपके घर में ये थुमली होनी ज़रूरी है, जो आज के डेट में हम बिम बोलते हैं। जिन चीज़ों को मकानों में और भवनों में आप देखते हो कि लोहे के बिम जो डले होते हैं, तो ये वही बिम है, मगर ये लकड़ी का है और ये प्योर तून होती है, जैसा कि आप देख रहे हो। और इसी पे पूरा मकान का लोड रहता है इस बिम के। और इसके नीचे भी एक बिम होता है जिसको हम बोलते हैं माल, वो जो ऊपर वाला पोर्शन है, यही वाला पोर्शन नीचे रहता है, बट वो थोड़ा सा मोटी रहती है बल्ली, तो उसके ऊपर ये वाली थुमली रहती है जैसा कि आप देख रहे हो। तो अक्सर इसी को हमारे उत्तराखंड में यूज़ करते हैं मट्ठा बनाने के लिए थुमली, क्योंकि काफ़ी मजबूत होती है। और इस पे दो ऐसे तरीके से जो है रस्सियाँ बांधी जाती हैं, जैसा कि आप देख रहे हो, एक यहाँ पर है और दूसरी रस्सी यहाँ पर है, और उसके बीच में ये हमारा उत्तराखंड का मुख्य जो है मट्ठा बनाने वाला यंत्र है, जिसको हम बोलते हैं रोहड़ी। तो उस पे ये बीच में भी आप देख रहे हो कि ये जो है इसके हैंडल हैं, जिससे हम इसको रोटेट करते हैं और नीचे मट्ठा बनकर फिर तैयार होता है। तो दोस्तों, आप इस जो ये हमारी थुमली है, थुमली के बगल में दो बल्लियाँ देख रहे हो, इसको बोलते हैं भरपाट। जो हमारे पास एक्स्ट्रा मटेरियल होता है, एक्स्ट्रा सामान होता है, हम उसको इस तरीके से ऊपर रख सकते हैं, जैसा कि आपने देखा है वहाँ पर संदूक रखा है, वहाँ पर टप रखा है और इधर कुछ आइटम और रखा है। ऐसे तख्ते लगा के हम आराम से अपना सामान जो है यहाँ पर रख सकते हैं। और दोस्तों, दही जमाने के लिए हमारे पास स्पेशली दही को छिपाने के लिए एक संदूक होता है, जिसको हम बोलते हैं ढनाई संदूक। तो वो संदूक ये है, आप देख रहे हो, ये पूरा लकड़ी का बना हुआ है, उस पर स्पेशली ताला लगाया जाता है। ये अगर बच्चे जो है अगर शरारती हैं तो वो खोल के खा ना पाए और जो है अपने लिए नींबू ना बना पाए, क्योंकि आजकल पहाड़ों पर उनको अच्छे नींबू को छानने लोग तो दही चोर के ले जाते हैं घर से, तो इसलिए ताला लगा। दोस्तों, ये इसका स्पेशली लॉक है, जैसा कि आप देख रहे हो, ये तो ये देखिए, ये लॉक है। हाँ, ये है ना। अच्छा, तो दोस्तों वैसे मेरे को भी पता नहीं है, लॉक नहीं है इसमें, पहले से मतलब पुराने समय में रस्सियां बढ़ते से इससे भीमल की रस्सी बनाई जाती थी, इस पे लगा के। इसके नीचे वाले पार्ट पे भी ऐसे ही होता था ढोल जैसा, तो इस पे रस्सी बटी जाती थी पहले से, बट इसका एक पोर्शन टूट गया है, तो इसको अभी लॉक के लिए यूज कर लिया है, और बहुत ही सॉलिड लॉक है ये, देखिए। तो दोस्तों, फाइनली मैं भी बेकार मट्ठा बना रहा था, दिव्या भी बेकार मट्ठा बना रहे थे, आप ताईजी बना रही है, आप देख रहे हो, कुछ इस तरीके से करते हैं, और हमारे बस का नहीं था, हमने पूरा जो मट्ठा है ये ख़राब कर दिया है। अब इसमें से घी बहुत कम बनेगा। तो दोस्तों, आप देख रहे हो ना, ककड़ियाँ मैंने परसों आपको बेल दिखाई थी तो लगना स्टार्ट हो गए हैं, तो अभी मेरे को एक ककड़ी मिल गई है, और कुछ ककड़ियाँ जो थी बीच में छुपी हुई थी, जो अब पीली हो गई हैं, जो रहते के लायक हो गई हैं अभी, तो ये सलाद के लिए बहुत ही बढ़िया है। अब मैं आपको एक पीली ककड़ी दिखाता हूँ, जिसका रायता बनेगा या बड़ी बनेगी जिसकी। तो दोस्तों, आप देख सकते हो उधर एक पीली ककड़ी, और काफ़ी बड़ी है, क्योंकि वीडियो में थोड़ा छोटी आ रही है वो, और वहाँ मैं अभी जा भी नहीं सकता और काफ़ी दूर है मुझसे वो, तो ये देखिए। और दोस्तों, एक ककड़ी ये भी है, एक और के ऊपर ये। तो दोस्तों, अगर आपको उत्तराखंड का ये प्यारा सा वीडियो अच्छा लगा कि उत्तराखंड में किस तरीके से मट्ठा बनाते हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड मेरा चैनल पहाड़ी पालीवाल को सब्सक्राइब करें, और फिर आपके साथ मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहें। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय भारत।